हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। जैसे आगे 11 अक्टूबर को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है, उसके बाद रेलवे, एनटीपीसी और जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, तो उसके लिए हम आपको एक पूरा पैकेज देने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रमुख सूचकांकों पर चर्चा करेंगे, प्रमुख पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे जो 2019-20 के प्रमुख पुरस्कार रहे हैं, जो भी रेटिंग दिए गए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित उसकी चर्चा करेंगे, केंद्रीय बजट, राज्य बजट की चर्चा करूंगा, यूपी स्पेशल की हम चर्चा करेंगे। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उसी दिशा में आज पहली टॉपिक आपके करंट अफेयर्स की है, केंद्रीय बजट। यहाँ से टॉपिक हर साल पूछा जाता है। अभी आरओ का एग्ज़ाम हुआ है, आप देख लीजिए, वहाँ पे भी केंद्रीय बजट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मैं ऐसे ही टॉपिक कराऊंगा कि आपको इन्हीं 14-15 लेक्चर में कम से कम 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ सर, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है केंद्रीय बजट। आप सबको पता होगा कि जो भारत का केंद्रीय बजट है 2020-21, वो 1 फरवरी को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2020 को भारत का केंद्रीय बजट पेश किया गया। और किसने पेश किया? पहली बार किसी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ने जारी किया है ये बजट, ठीक है। तो किसने ये बजट पेश किया संसद में? निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों, उनका नाम है निर्मला सीता रमण, जो कि इस समय भारत की क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। इससे पहले ये भारत की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये प्रथम पूर्ण महिला हैं, मतलब पूर्ण रूप से ऐसी वित्त मंत्री हैं महिला में, जिन्होंने भारत का बजट पेश किया है, और उनका नाम है निर्मला सीता रमण। एक और चीज़ इस बार हुई है कि बजट पहले लेदर के एक बॉक्स में पेश किया जाता था, इस बार लाल कपड़े में लपेट के पेश किया गया है, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल गई। जो भाषण दिया गया, बजट पेश किया गया, इस पर जो चर्चा हुई, जो भाषण दिया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, वो अब तक के इतिहास का सबसे लंबा भाषण था। कितने मिनट का था? 2 घंटे 40 मिनट, नोट कर लीजिए, 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट लंबा ये वक्तव्य या इस पर चर्चा संसद में चली, या निर्मला सीतारमण जी ने 2 घंटा 40 मिनट लिया इस बजट के बारे में बताने के लिए, जो कि अब तक के इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। दूसरी प्रमुख चीज इस बजट की क्या थी? कुल व्यय जो अनुमानित किया गया वो कितना है? 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट है ये। तो अगर आपसे पूछे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि टोटल बजट कितने रुपए का है, तो आप बताएंगे 30,42,230 करोड़ रुपए का ये बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया संसद में। क्लियर हो गया? मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ 2020-21 के बजट के बारे में। हमने 2-3 चीज़ें पढ़ने की, 1 फरवरी 2020 को ये बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण जी पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने ये बजट पेश किया पूर्ण रूप से, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि इस बजट में इतिहास का सबसे लंबा भाषण दिया गया 2 घंटे 40 मिनट का। इस साल का जो पूरा बजट है वो है 30,42,230 करोड़ रुपये का, कि इतना व्यय किया जाएगा अनुमानित है 2020-21 के लिए। तो आपसे पूछे कितने करोड़ का बजट पेश किया गया, तो आप बताएंगे 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। अब हम चर्चा करेंगे कि रुपया आता है और रुपया जाता है, अर्थात एक रुपए की जो प्राप्ति होती है भारत सरकार को, जो आय होती है वो कहाँ से होती है? निगम कर से कितनी आय होती है, आय कर से कितनी आय होती है, सीमा कर से कितनी आय होती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितनी आय होती है। तो परसेंटेज में हम एक रुपए में उसको देखेंगे कि कितनी आय होती है। अभी आरओ का एग्जाम था तो यहीं से एक क्वेश्चन मिलाने के लिए आ गया है, जिसे आप सब जानते होंगे। तो देखते हैं पहले कि रुपया आता कैसे है।
भारत सरकार को जो रुपयों की प्राप्ति होती है, जो बजट पेश करती है सरकार को, जो फायदा होता है वो पैसे प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो उनको हम इसी फॉर्म में देखेंगे कि एक रुपए में कितने परसेंटेज किस चीज़ से भारत सरकार को प्राप्त होती है। तो देखिए, पहले हम देखने चल रहे हैं आपका कि रुपया आता है, ये देखिए रुपया कहाँ से आता है, पहले ये देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति होती है भारत सरकार को वो उधार एवं अन्य देताओं से मिलती है। जैसे उधार एवं अन्य देताएं से संबंधित क्या है, जो ऋण बांटा गया है, जो उनसे हमको ब्याज की प्राप्ति होती है, तो इन सब सारी चीज़ों से हमें कितने परसेंट की प्राप्ति होती है, 20 पैसे की। एक रुपये में 20 पैसे अर्थात 20 परसेंट की प्राप्ति हमें होती है किससे, उधार एवं अन्य देताएं जो हैं उनसे होती है हमको कितने की प्राप्ति, 20% की प्राप्ति होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी सबसे ज़्यादा प्राप्ति हमें को किससे होती है, वो निगम कर से होती है। 18% की प्राप्ति हमें निगम कर से होती है, इसको आप देख सकते हैं। निगम कर से कितनी की प्राप्ति होती है, 18% की प्राप्ति निगम कर से होती है। सबसे ज़्यादा किससे भारत सरकार आय प्राप्त करती है, तो भारत सरकार को सबसे ज़्यादा प्राप्ति उधार एवं अन्य देताएं से होती है। जो भारत सरकार ने ऋण वगैरह बांटे हैं उनसे जो ब्याज मिलता है उसी से भारत सरकार की सबसे ज़्यादा कमाई होती है। उसके बाद कमाई का दूसरा जो जरिया है वो निगम कर है, कितने परसेंट, 18% निगम कर से हमें मिलता है। ठीक है, 18% जो कमाई होती है सरकार की वो निगम कर से होती है। फिर देखिए माल एवं सेवा कर, तो माल एवं सेवा कर से हमको कितनी प्राप्ति होती है, 18%। मतलब एक रुपये में 18 पैसे हमें कहाँ से मिलते हैं, माल एवं सेवा कर से मिलते हैं। तो भारत सरकार की हम ये प्राप्तियां देख रहे हैं कि भारत सरकार को आय कहाँ से होती है, तो सबसे ज़्यादा आय होती उधार एवं अन्य देताएं से, कितनी, 20%। निगम कर से कितनी आय होती है हमको, 18%। माल एवं सेवा कर से कितनी आय होती है, 18%। फिर आयकर, आयकर हमें कितना होता है, जो आय से प्राप्त होती है, जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं उससे भारत सरकार को 17% की प्राप्ति होती है। तो आपके आयकर से भारत सरकार को 17% की प्राप्ति होती है। कर भिन्न राजस्व जो होता है उससे कितनी प्राप्ति होती है, 10%। कर भिन्न राजस्व से प्राप्ति हमें 10% होती है, और 7% केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्ति होती है। 7% जो प्राप्ति होती है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से होती है। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ कितनी हैं, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 6% हैं, और सीमा शुल्क से जो हमको आय होती है वो होती है 4%। तो दोस्तों हमने भी ये पढ़ा कि एक रुपये में भारत को जो एक रुपये की जो भारत की आय है वो कहाँ कहाँ से होती है। तो एक रुपये आय नहीं है, ये हम एक रुपये में देखते हैं अर्थात परसेंटेज देखते हैं। तो उधार एवं अन्य देताएं 20%, निगम कर 18%, माल एवं सेवा कर 18%, आय कर से कितनी प्राप्ति होती है, 17%, कर भिन्न राजस्व 10%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितनी प्राप्ति होती है, 7%, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां कितनी होती हैं, 6%, और सीमा शुल्क से कितनी प्राप्ति होती है, 4%। तो हमने ये देखा कि रुपया आता कहाँ से है, अब देखते हैं कि रुपया जाता कहाँ पे है। तो दोस्तों अगर हम चर्चा करें कि रुपया जाता कहाँ पे है, तो रुपया जाता कहाँ पे है ये अगर हमें देखना होगा तो आप देख सकते हैं करों एवं शुल्क में राज्य का जो हिस्सा, जो प्राप्ति होती है, जो केंद्र सरकार राज्यों को पैसा बांटती है। हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं, ठीक है, किस अनुसूची में पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध, अनुसूची 7 में पढ़ते हैं। तो ये जो केंद्र करों को जो मिलती है, जो केंद्र सरकार जितनी करें प्राप्त करती हैं उनका अलग अलग मात्रा में राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र सरकार का व्यय है वो यही राज्यों को पैसा बांटने में जाता है, कितना, 20%। तो राज्यों का हिस्सा कितना होता है, 20%। 20% तो पैसा सरकार का चला जाता है राज्यों को देने में, ठीक है। इसके बाद ब्याज अदायगी, जो सरकार विश्व बैंक से और विदेशी संस्थाओं से ऋण ली है तो 18% तो ऋण देने में चला जाता है। हर साल जितना बजट आता है उसका 18% हम कहाँ खर्च करते हैं, ब्याज भरने में खर्च करते हैं। जो भारत सरकार उधार ली है विश्व बैंक से, अन्य संस्थाओं से, एशिया विकास बैंक से, यहाँ सबसे जो पैसा हमने लिया है उसका ब्याज भरने में ही कुल बजट का 18% पैसा चला जाता है। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा ब्याज हम लोग भरते हैं। तो ब्याज अदायगी में कितना जाता है, 18% जाता है।
केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार जिन योजनाओं को लाती है उस पर कितना रुपया खर्च करते हैं हम अपने बजट का, 13% रुपया खर्च करते हैं केंद्र क्षेत्र की योजना पे। वित्त आयोग को कितना रुपया दिया जाता है, तो वित्त आयोग की संस्तुति के लिए हम लोग देते हैं 10%, ठीक है, वित्त आयोग को 10%। केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं वो तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो हैं उस पर 13%, केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उस पर कितना है, 9% हम लोग खर्चा करते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं पे हम लोग कितना खर्चा करते हैं, 9% केंद्र प्रायोजित योजनाओं पे खर्च करते हैं। रक्षा पे कुल बजट का 8% हम लोग कहाँ खर्चा करते हैं, रक्षा पर, रक्षा पर 8 पैसे हम लोग खर्च करते हैं 1 रुपये का। आर्थिक सहायता जो कभी कभी कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो जो आर्थिक सहायताएं दी जाती हैं उसमें 6% हम आर्थिक सहायताओं में खर्च करते हैं। और जो भारत सरकार पेंशन देती है भैया, तो पेंशन देने में हम लोग 6% पैसा खर्च करते हैं अपने टोटल बजट का। तो सबसे ज़्यादा किस में खर्च होता है, राज्य को हिस्सा, करों का जो हिस्सा राज्य को बांटा जाता है वो सबसे ज़्यादा 20% खर्च होता है। इसके बाद भारत सरकार जो ब्याज भरती है, जो उधार ली है उस पर 18%। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है, एक राज्यों का हिस्सा 20%, ब्याज अदायगी 18% और रक्षा पे 8%। ये तो हो गया रुपया आता है रुपया जाता है। अब हम प्रमुख चीज़ें पढ़ेंगे कि जो 2020-21 के केंद्रीय बजट में प्रमुख क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जिसे हमें जानना जरूरी है और जो एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों अब हम देखने चल रहे हैं कि इस बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं जिनको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस किस योजना के लिए कितने रुपए जारी किए गए हैं, राजकोषीय घाटा कितना रहा है, राजस्व घाटा कितना रहा है, या किसी चीज़ का टारगेट हमने क्या रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है कि इस बार जो राजस्व घाटा का अनुमान है, ठीक है, तो राजस्व घाटा का अनुमान इस बार 2.7% है। किसका, जीडीपी का 2.7% हमें राजस्व घाटा होगा, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में राजस्व घाटा जीडीपी का 2.7% होगा। कितना होगा दोस्तों, जीडीपी का 2.7% होगा, क्या, राजस्व घाटा। आगे देखिए 2020-21 में राजकोषीय घाटा का क्या अनुमान लगाया गया है, तो 2020-19 में राजकोषीय घाटा का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना है, 3.5%। तो हमको इस बार जो राजकोषीय घाटे का अनुमान है वो 3.5% है, और ये अनुमान 2019-20 में कितना हुआ है प्राप्त, तो 2019-20 में 3.8% था राजकोषीय घाटा, ठीक है, कितना था, 3.8%। अगर 2019-20 पूछे तो 3.8 और अनुमानित पूछे तो 3.5, जो नए के लिए हमने अनुमान लगाया है। रक्षा बजट, तो दोस्तों इस बार जो हमारी सामरिक परिस्थितियां चल रही हैं, जो विदेशी नीति हमारी चल रही है, आसपास पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इन सब से हमारे संबंध जो खराब हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए रक्षा बजट में इस बार बढ़ोतरी की गई है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रक्षा बजट में कितने रुपए की, कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, तो दोस्तों आपको बताना है रक्षा बजट में जो वृद्धि की गई है वो 5.83% की वृद्धि की गई है, ठीक है। और रक्षा बजट कितने का है इस बार, तो रक्षा बजट आपका 3,23,053 रुपए का कुल रक्षा बजट है। कितने का है, 3,23,053 रुपए का रक्षा बजट हमने जारी किया है, जिसमें हमने पिछले साल की तुलना में 5.83% की वृद्धि की है। किस लिए, ताकि हम फाइटर प्लेन खरीद सके, ताकि हम नई नई मिसाइलें बना सके, नए नए आयुध भंडार कर सके, हम नए नए मशीन गन ले सकें, ठीक है, तो फाइटर प्लेन ले सकें, तो इन सब चीज़ों के लिए हमने अपना रक्षा बजट अब की बार बढ़ाया है। और कितना बढ़ाया है, 5.83% बढ़ाया है। अगला देखिए, इम्पॉर्टेंट है, भारत ने
टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। तो इस बजट में उसकी भी चर्चा की गई है कि भारत टीबी को कब तक समाप्त करेगा। तो भैया भारत ने टीबी को 2025 तक ख़त्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो आप क्या बताएंगे? भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है और इसके लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है इस बजट में। क्या योजना है वो? टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो भारत ने टीबी को समाप्त करने के लिए इस बजट में एक योजना का प्रस्ताव रखा है। उस योजना का नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। कब तक ख़त्म करना है टीबी को भारत में? जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि हम 2025 तक टीबी को ख़त्म कर देंगे। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी टीबी को ख़त्म करने का जो लक्ष्य रखा वो कब रखा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। 2030, ठीक दोस्तों। अगर पूछे भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो आप बताएंगे 2025 तक, और उसके लिए एक योजना भी शुरू करने वाला है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव किया 2030 तक खत्म करने का। दोनों बात याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ पूछे तो 2030, भारत पूछे तो 2025 तक। आइए अगले टॉपिक पे। इस समय आप सब जानते होंगे, जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, तो स्वच्छता पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। उनके द्वारा लगातार कैंपेनिंग किया गया कि 2014 में उन्होंने कैंपेनिंग शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन का, और 2019 में टारगेट रखा था कि हमको स्वच्छता पे विजय प्राप्त करनी है। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए इस बार बजट में जो पैसा जारी किया गया है वो कितना जारी किया गया? 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए? स्वच्छ भारत मिशन के लिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए का टारगेट रखा गया है या कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगली इस सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना रही है, जो महत्वाकांक्षी योजना रही है, जिस पर सरकार का शुरू से बल दिया गया है सरकार के द्वारा, मोदी जी ने आके ही कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से चले। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम क्या था? उड़ान योजना। तो दोस्तों उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। किसके तहत? उड़ान योजना के तहत। तो दोस्तों उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको कंठस्थ करनी है, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चैनल पे मैं आपके सामने करंट अफेयर की सारी क्लास लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, अभी हाल ही में आपने नई शिक्षा नीति सुनी होगी, उसके पहले एक और विधेयक अध्यादेश पास किया गया है संसद में। क्या किया गया है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जो जितने अराजपत्रित पद हैं उनके लिए ये एक एजेंसी होगी जो परीक्षा कराएगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने का प्रावधान बजट में किया गया था, जो कि अभी कुछ दिन पहले बना दिया गया है। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का भी प्रावधान इस बजट में 2020-21 वाले में किया गया था, ठीक है। और जो अनुमानित जीडीपी बजट में बताई गई थी 2020-21 के लिए, वो कितना बताई गई है? 6.65% आंकी गई थी कि हमारी जीडीपी 2020-21 में कितना रहेगी? 6.65% रहेगी। लेकिन इस कोरोना महामारी में, या कहिए सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण, -23.9 ये हमारी जीडीपी है इस समय, जो कि चिंता का विषय है। इस पर भी हम कभी एक वीडियो बनाएंगे तो आपसे चर्चा करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़,
मनरेगा। आप सबको पता होगा कि इस कोरोना काल में मनरेगा ही एक ऐसी योजना थी जिसने गरीबों को जिंदा रखा, ठीक है। और मनरेगा में जो अब तक मजदूरी मिलती थी वो 182 रुपए मिलती थी, लेकिन इस कोरोना काल में वो बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया है, 202 रुपए कर दिया गया। तो 182 से बढ़ा के शायद 202 रुपए कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। कितना कर दिया गया मनरेगा में जो मजदूरी मिलती थी एक दिन की, वो अब 182 से बढ़ा के 202 रुपए कर दिया गया है। मनरेगा के लिए इस बार बजट कितना जारी किया गया है, तो 61,500 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए जारी किया गया है दोस्तों, 61,500 करोड़ रुपया। लेकिन ये जो पैसा मनरेगा को दिया गया है, ये पिछली बार जो पैसा दिया गया था उससे कम है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता, बिहारों का एग्जाम, वहाँ पूछा कि किस योजना को इस बार पिछले साल की तुलना में कम पैसा दिया गया है, तो भैया वो योजना कौन सी है, मनरेगा। तो मनरेगा को पिछले साल से कम पैसा इस बार दिया गया है। पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 27,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो भैया मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, पीएम आवास योजना के लिए 27,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए का। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन भी शुरू किया है, उसके लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। इस सरकार की एक प्रमुख योजना और है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसपे हर 4 महीने पे 3 बार साल भर में किसानों को 2,000 रुपए की एक किस्त दी जाती है। इसका मतलब ये है कि साल भर में वो आपको 6,000 रुपए की किस्त देते हैं। तो उसके लिए जो बजट में आवंटन किया गया है वो 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है किसानों को, पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और सौर विद्युत के लिए 2150 रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। सौर विद्युत के लिए 2150 रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। एक और आवंटन है खेलो इंडिया, इसके लिए 890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और प्रथम खेलो इंडिया गेम्स जो आयोजित किया गया वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसके बारे में आप सबको जानकारी होगी। तो खेलो इंडिया के लिए 890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत ने 2024 तक दुग्ध उत्पादन दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने ये लक्ष्य भी रखा है कि 2024 तक हमको अपना दुग्ध उत्पादन दुगुना कर देना है। कब तक, 2024 तक। तो 2024 तक दुग्ध उत्पादन दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मछली उत्पादन बढ़ा के 200 लाख टन करने का प्रावधान रखा गया, ठीक है। तो मछली उत्पादन 200 लाख टन करने का प्रयास किया गया, कब तक, 2022-23 तक ये प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये बजट के इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसे आप ध्यान से याद करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज हमने केंद्रीय बजट का एक टॉपिक ख़त्म किया है जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसे आपको रटना है, एग्जाम के लिए याद करना है, बार बार ये वीडियो देखना है, अन्य लोगों के पास पहुँचाना है ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो सके। तो मिलते हैं इसके अगले कड़ी में, अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।